यह हमारा 10 एम्पीयर का डे नाइट फोटोसेल सेंसर है। आज हम इसका कनेक्शन देखेंगे कि कैसे इसको कनेक्शन करना है लाइट के साथ में। कनेक्शन करने के लिए तीन वायर में से वाइट वाला वायर जो है वो कॉमन रहेगा। वाइट वाला वायर इनपुट एंड आउटपुट दोनों का न्यूट्रल इसमें रहेगा। रेड वाला एलईडी सप्लाई को जाएगा और ब्लैक वाला 230 वोल्ट एसी सप्लाई जाएगा। ये इसका इनपुट में जाएगा और ये इसका आउटपुट में जाएगा। इसको मैं भी कनेक्शन करके देखेंगे। ये हमारे पास पैनल है 15 वाट का, इसके साथ हम कनेक्शन करके देखेंगे। रेड वाला जो हमारा सेंसर का वायर है वो रहेगा आउटपुट के लिए, ठीक है। तो पैनल का एक लाइव, सेंसर के रेड वायर के साथ में इसको जोड़ देंगे और वैसे ही न्यूट्रल वाइट के साथ में जोड़ देंगे। ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। जो आउटपुट का वाइट एंड रेड है, जो हमारा एलईडी है उसका लाइव सेंसर का रेड वायर के साथ में कनेक्शन करना है और न्यूट्रल जो वाइट वायर के साथ में आपको कनेक्शन करना है। वैसे ही इसका इनपुट के लिए जो हमारा 230 एसी सप्लाई रहेगा उसका जो न्यूट्रल रहेगा वाइट के साथ में आपको इसको कनेक्शन करना है और ब्लैक वाला लाइव के साथ में। ये हमने इसका कनेक्शन किया हुआ है, आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं वाइट एंड रेड ये दोनों आउटपुट में गए हुए हैं एंड वाइट एंड ब्लैक ये इनपुट में आया हुआ है, ठीक है। इसमें आप गलती मत कीजिएगा, ये हमने कनेक्शन किया हुआ है। तो अभी मैं इसको ऑन करूंगा। ऑन करेंगे, ये हमने ऑन किया हुआ है। आज वो जो लाइट से इसके लिए ऑन नहीं हो रहा है, तो इसको हम एक ब्लैक बैग से कवर करेंगे। आप इसमें देख सकते हैं लाइट्स ऑन हो चुकी है और जैसे ही हम इसको हटाते हैं लाइट्स ऑफ हो जाएगी। ऑन जैसे ये लाइट को सेंस करेगा वैसे ही लाइट्स ऑफ हो जाएगी, ठीक है। कनेक्शन में आपको ध्यान देना है, डे नाइट सेंसर का जो इनपुट है उसमें ब्लैक और व्हाइट रहेगा, ब्लैक और व्हाइट इनपुट में जाएगा, व्हाइट एंड रेड आउटपुट में जाएगा, ठीक है। और भी कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।